इंग्लैंड में नुमाया जो फ़र्क मुझे महसूस हुआ कि वहाँ जो प्रोफेसर था किसी ना किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में वो दिन रात जुटा हुआ था, जैसे उसके ऊपर कोई मिशन है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। हमारा मकसद ये था कि हम साइंस के कल्चर को फ़रोग दें और लोग साइंस के बारे में सोचें। हमारे जिस्म में सर से ले कर पाँव तक कितने ही मटेरियल्स हैं, नी जॉइंट्स और हिप जॉइंट्स रिप्लेस हो रहे हैं, जिनके ऊपर हमें एक कसीर रकम सर्व करनी पड़ती है। ये हमें बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। पाकिस्तान में जो जलजला आया और शुमाली इलाकों में, आज़ाद कश्मीर के इलाकों में 80,000 के करीब जानें तल्फ हुई और 1,60,000 के करीब लोग जख्मी हुए। उस वक्त पाकिस्तान में इन बायो मटीरियल्स की कमी का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। अगर ये हमारे पास पाकिस्तान में बायो मटीरियल्स पैदा हो रहे होते तो मेरा ख्याल है कि इनमें से बहुत से इंसानों की जानें या तो बचाई जा सकती थी या बेहतर की जा सकती थी। अब इस सेंटर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, जिसमें डेंटल मटेरियल्स का बनना है और हड्डी के रीजनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं। बायो मटीरियल्स का इस्तेमाल सर की खोपड़ी में होता है, किसी का कान बनाने में 15-20 किलोवाट की जो वोल्टेज है वो हम अप्लाई करके उसके फाइबर्स बनाते हैं, नैनो फाइबर्स। एक 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर डिवेल्प होता है, उसकी टेस्टिंग करने के बाद टिश्यू इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल उसके ऊपर हम अटैच कर लेते हैं। तो नैनो फाइबर्स इसलिए हम बनाते हैं कि इसकी सरफेस टू वॉल्यूम रेशो ये बहुत ज़्यादा होती है। ना सिर्फ ये बायोमटीरियल्स के तौर पर बल्कि वाटर प्योरीफिकेशन के लिए भी ये एक अच्छी मेम्ब्रेन हम इस प्रोसेस से हम बना लेते हैं। इक्विपमेंट को अपने घर में भी बनाने की सलाहियत है। ये ऑपरेटर्स फिज लैब में लम्स में डॉक्टर सभी अनवर की निगरानी में ये बना है। ऐसा ही एक ऑपरेटर्स बहुत महंगा, तकरीबन 21-22 लाख का हमने ख़रीदा, लेकिन वो ऑपरेटर्स ज़्यादा अरसा नहीं चल सका। ये एक समंदरी मछली कटलफिश की ये बैकबोन है। जब मैंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसका स्ट्रक्चर देखा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैं क्यों ना इसको इस्तेमाल करके इसके स्कैफोल्ड बनाऊँ। और ये इतना ज़खीरा है कुदरती, जिसकी मदद से हम बेशुमार बायोमटेरियल जो है ना वो डेवलप कर सकते हैं।